पुलिस फोर्स और सिविल यूनियन ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्टेट के लिए। हेलो गाइस, मैं आज एक टॉपिक में बात करना चाहूँगा जो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है एंड आई वाज होपिंग कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये बस आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो उस विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले वी अरुणाचली हैव ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है प्लस ये हमारी वीकनेस भी है कि हम लोग बहुत ईजीली डिवाइडेड हो जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, हर बात पे कहीं ना कहीं कम्युनिटी या ट्राइब्स को ला के हम लोग आपस में ही लड़ते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझें कि ये जो इशू है ये कम्युनियल बेस पे नहीं है, ये ट्राइब्स के बीच में झगड़ा नहीं है। देखिए, ये एक एसपी और एक स्टूडेंट यूनियन के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पुलिस फोर्स, देखिए, हमेशा हर रोज़ रास्ते पे अपनी ड्यूटी करते हैं एज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन हैव बीन इशूड। जो जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसा प्रोटोकॉल सेट किया गया है, उस ढंग से वो फॉलो कर रहे हैं। एंड उन्हें हर दिन इवन आफ्टर द गिवन टाइम, एक टाइम दिया गया है जिसके बाद कर्फ्यू शुरू होने को है, तो हर दिन वो देखते हैं, दे फेस एवरी डे कि कोई ये बोल के जा रहा है, कोई ये बोल के जा रहा है, किसी को यहाँ जाना है, किसी को वहाँ जाना है, किसी को ये काम है। उनमें से बहुत सारे लोग हैं शायद ही सच बोल रहे होंगे, और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना काम के बस यूं ही घूमते हैं और कुछ एक्सक्यूज़ देते हैं। सो दिस आर द सिचुएशन जो पुलिस फोर्स हमेशा फेस करती है। सो ऐसे सिचुएशन में हमारे कुछ आंसू के मेम्बर्स भी वहाँ से गुजरे और उन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जो अपना ड्यूटी कर रहा था और वहाँ पे कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो जो पुलिस ऑफिसर है उनके नज़र में वो लोग ना ही कोई ट्राइब से बिलोंग करते, ना ही कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते। वो बस ये बताना चाह रहे थे कि चाहे आप किसी यूनियन से बिलोंग करते हो या कोई लीडर हो, एक गिवन टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है कि इस टाइम के बाद कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, इसके बाद कोई गाड़ी को आना या जाना अलाउ नहीं करेगा। सो उनके नज़र में ये था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा। मे बी शायद उनका जो कहने का तरीका था, इट वॉज हार्श, शायद ड्यूटी के प्रेशर के कारण जो निकला ऐसा हुआ, लेकिन ओवरऑल जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अपना जो ड्यूटी कर रहे हैं, और वो सिर्फ बता रहे हैं कि इस समय के बाद लो सबके लिए इक्वल है, तो सभी को फॉलो करना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो आई अप्रिशिएट कि आंसू जो कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क किया, लोगों के भी जो मदद किए उन्होंने, आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये उस हद तक पहुंच रहा है जहाँ पे नहीं पहुंचना चाहिए था। तो इस सिचुएशन को अगर वहीं तक रख देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बढ़ता चला जा रहा है। एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है कि इस सिचुएशन के बीच में ट्राइब्स को लाया जा रहा है, इस इशू के बीच में कम्युनिटी को लाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप सब ने परस के बारे में सुना होगा, वो यूट्यूबर जिसने हमारे अरुणाचल के बारे में रेसिस्ट कमेंट किया था, तो उसने जो किया वो बहुत ही बुरा था, लेकिन उस बीच में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस बीच में हमारे जो अरुणाचल के लोग हैं वो इकट्ठा हुए, एक साथ जुड़कर जस्टिस की बात करने लगे थे उस समय में। और वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट वी हैव दैट यूनिटी, वी हैव दैट यूनिटी इन अस। वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही परस का केस ख़त्म हुआ, अब ये नया केस, हम लोग फिर से आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। आप पास में जाके देखिए, ऐसा बहुत बार हुआ है, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम इट। हमें सीखना चाहिए हमारे गलतियों से कि आगे चल के ऐसा गलती ना हो। हमें हमारी मैंटलिटी को चेंज करना होगा ताकि हम ये सब चीज़ में ना रहे, बल्कि हम कुछ आगे का सोचें। एंड आई बिलीव कि आप सब में वो बात है कि आप लोग एक बिगर पर्पस के लिए हो,
जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। और मेरा जो मैसेज है सभी लोगों के लिए है, चाहे वो आप ऑफिसर हो, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे आप पब्लिक फिगर हो, कि आप जो एक पोजीशन में हो, आप एक पोजीशन में हो जहाँ पे लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप सबको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। सिर्फ अभी के सिचुएशन में नहीं, बल्कि हर किस्म की सिचुएशन में फ्यूचर को लेके, क्योंकि यंगर जनरेशन जो आप सभी को फॉलो करते हैं, जो यंगर जनरेशन है, वो आपके स्टेप्स में चलेंगे। आप जो करेंगे वो उनके लिए सही होगा और उन्हें आपसे इंस्पिरेशन मिलती है। आप जो करेंगे वो उनके लिए एक बेंचमार्क रहेगा कि उन्हें भी ये करना है, उन्हें भी ये रास्ते पे चलना है। तो जितने भी पब्लिक फिगर हैं, चाहे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कुछ कदम उठाते हो, जब भी कुछ करते हो, तो हमेशा आप सोच के कदम उठाइए। सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को लेके नहीं, बल्कि फ्यूचर को लेके, कि आपके पीछे यंगर जनरेशन आने वाला है जो आपके कदमों पे चलेगा। तो हमें वो चीज़ ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम एक सही राह, एक सही बेंचमार्क सेट कर सकें, ताकि हमारे बाद जो भी लोग आएंगे वो उस सही राह पे चलें। वेल, आई मेड दिस वीडियो नॉट टू हर्ट एनीवनस इमोशन बट टू स्प्रेड अवेयरनेस। मैंने ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं बनाया है, किसी भी कम्युनिटी या किसी भी ट्राइब्स के ऊपर डेडिकेट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। मैं सिर्फ एक अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, ताकि लोग समझें और ताकि लोग कुछ सोचें और अच्छा करना चाहें। मैंने बस ये वीडियो इसी के लिए बनाया। पुलिस फोर्स और स्टूडेंट यूनियन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्टेट के लिए। दे आर वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ आवर स्टेट। हमारे स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए दोनों की ही ज़रूरत है हमें। इसलिए मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो, बल्कि दोनों अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएं और हमारे स्टेट को एक अच्छी तरह से लीड करें। एंड आई होप कि ये जो कुछ भी चल रहा है वो जल्दी ठीक हो जाए। टेक केयर एवरीवन, प्लीज़ बी विथ यू।